समझौता नहीं बहस है, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखिए आज की प्रमुख खबर। बालाघाट जिले के खेरलांजी अंतर्गत आने वाला ग्राम भंडार बोड़ी में शिकायतकर्ता विशेश्वर कटारे ने बताया कि 28/10/2022 की रात लगभग 3 बजे चोरों ने धान काटने की मशीन चोरी कर ली, जिसकी शिकायत उनके द्वारा खेरलांजी में थाना में की गई, किंतु अभी तक चोरों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं पीड़ित शिकायतकर्ता ने चोरों का पता बताने वालों को 10,000 रुपये इनाम देने की बात कही गई। पता बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, जिसे किसी की कोई भी जानकारी हो वह मोबाइल नंबर 7617442969114 पर दे सकते हैं। खेरलांजी से राहुल ललहारे की रिपोर्ट। हाँ सर, मैं ग्राम पंचायत भंडारबुड़ी का निवासी हूँ। अच्छा। सर, मैंने 27 तारीख को मशीन लेके लाया था नई वाली। अच्छा। तो सर उसमें एक कार्यक्रम था हमारे गाँव में मंडई का। अच्छा। उसमें रात्रि में आर्केस्ट रखा गया था 27 तारीख के रात में। तो उसमें सर मैं आर्केस्ट में कार्यक्रम देखने चले गया था, फिर वहाँ से आने के बाद में रात में 2 बजे मैंने मशीन मेरे द्वारा देखी गई। उसके बाद रात्रि में मैं सो गया, उसके बाद सुबह उठ के देखा तो मेरी न्यू मशीन घर से गायब हो गई, चोरी हो गई। तो मेरे द्वारा आक्रोश मोहल्ले पड़ोस में बताया गया कि मशीन मेरी चोरी हो गई है। तो पूछताछ के आधार पे रात्रि में 28 तारीख के सुबह में करीबन 3:30 बजे 3:30 से 4 बजे के टाइम में पड़ोस में किसी आदमी द्वारा देखा गया, लेकिन उनके चेहरे कुछ बंधा हुआ था, पहचान नहीं पाया उसमें। अच्छा। तो उसमें चार पाँच लोग बताया गया और उसमें जैसे पिकअप आई तो पिकअप में डाल के लेके चले गए। अच्छा। तो उनका चेहरा पहचान नहीं आया। हाँ सर, सुबह के टाइम में मेरे द्वारा फिर गांव में इसको इधर उधर पूछने के बावजूद में कहीं पता नहीं चला। उसके बाद मैं थाने रिपोर्ट डालने चले गया, तो सर वहाँ पे रिपोर्ट डालने के बावजूद मैं इधर उधर इंक्वायरी किया, आसपास मोहल्ले पड़ोस में पूछा, मैंने 5-6 गाँव इधर उधर घुमा फिरा तो मशीन का पता नहीं चला उसमें। तो उसके बाद अगर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई बताया जाता है मशीन का पता, तो उसमें सर मैं 10,000 रुपये इनाम रखा हूँ और उस आदमी जो बताने वाला है वो गुप्त बात रहेंगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।